हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम कोर्ब। आज के वीडियो में हम इस प्रॉपर्टी का टूर करने वाले हैं और ये है मेरे बैल्कनी से व्यू। अभी मॉर्निंग के 5:30 बज रहे हैं और बाहर बहुत ही ज्यादा ठंड है। हम एक कॉफी एस्टेट के अंदर ही स्टे कर रहे हैं। दिस इज द ट्री आई एम शेयरिंग माई रूम विथ। लेट मी शो यू फ्रॉम आउटसाइड। तो ये है प्रॉपर्टी का एंट्रेंस। प्रॉपर्टी का नाम है वुडपेकर एस्टेट, जो कि मदिकरी टाउन से 12 किलोमीटर अंदर है। अंदर आते ही आपको ये ब्यूटीफुल सा गार्डन दिखेगा और यहाँ चारों तरफ लैंडस्केपिंग की गई है। ये एक होम स्टे कॉटेज है जहाँ पे 2 कॉटेजेस हैं एंड टोटल 6 रूम्स अवेलेबल हैं और यहाँ आपको ब्यूटीफुल सा माउंटेन व्यू मिलता है। आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं सेकेंड कॉटेज की तरफ। ये छोटे छोटे प्लांट्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कॉफ़ी के प्लांट्स हैं। और यहाँ पे एस्टेट के अंदर जाने के लिए कुछ स्टेप्स बने हुए हैं। अभी हम चलते हैं एस्टेट के अंदर और यहाँ पे हमें एक ट्री हाउस देखने को मिलेगा। यहाँ पे प्लांटेशन बहुत ही डेंस है। डिड यू सी द ट्री हाउस? ओ वाओ, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग अ ट्री हाउस इन रियल लाइफ। यहाँ पे भी सिमिलर स्टेप्स बने हुए हैं आगे जाने के लिए और यहाँ पे एक नेट हैमॉक जैसा भी कुछ है और ऊपर है ट्री हाउस। टाइम फॉर न्यू एडवेंचर। आई एम ट्राइंग टू गेट ऑन दैट नेट, इफ आई कैन मेक इट और नॉट, लेट्स फाइंड आउट। एंड फाइनली आई मेड इट, बट स्टिल आई एम नॉट श्योर हाउ लॉन्ग आई कैन स्टे देयर। टाइम टू क्लाइंब ऑन द ट्री हाउस। इट इज सो एक्साइटिंग। At the top you get a 360 degree view of this estate। और आगे यहाँ पे एक cute सा झूला है और हमें यहाँ झूलने में बहुत मजा आया। और अभी चलते हैं cottage के अंदर। ये है common dining area। This is the common balcony। Sitting area। इस कॉटेज में 4 रूम्स अवेलेबल हैं। चलिए ऊपर चल के देखते हैं। एक कॉमन लाइब्रेरी है और एक ब्यूटीफुल सा व्यू वाला बालकनी। लाइब्रेरी और टीवी रूम है और है यहाँ का ट्रॉपिकल गार्डन। ये रहा सेकेंड कॉटेज। And this is the look of the room at night। यहाँ पे है एक मिनी लाइब्रेरी। और अब टाइम है कैंप फायर का। लास्ट 2 इवनिंग्स में बारिश की वजह से कैंप फायर नहीं हो पाया, पर आज हम लोग कैंप फायर को एंजॉय कर सकते हैं। रात को आपको ऐसी लाइटिंग देखने को मिलती है यहाँ। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए और अगर कोई क्वेरी हो तो मुझे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।